ऋषि के सामने लुटेरे ने चला दी लक्ष्मी पर गोले, लेकिन आ गया बीच में ऋषि और लग गई ऋषि को गोले, और लुटेरे मार देंगे लक्ष्मी के सर पर बंदूक और हो जाएंगे दोनों लक्ष्मी ऋषि एक दूसरे को बचाने में बेहोश। और सबके सामने पहली बार हॉस्पिटल में नीलम मार देगी मलिष्का को जोर से तमाचा, और ऋषि की मां घसीटते हुए सबके सामने मलिष्का को निकाल देगी ऋषि की जिंदगी से बाहर। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब लक्ष्मी बैंक में चोरी होने का अपना सेल्फी वीडियो बनाकर सारे न्यूज मीडिया में बैंक में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए शेयर कर देगी, और जब लुटेरों का मेन बॉस वो लक्ष्मी के न्यूज वाला वीडियो सारे चैनल्स पर देखेगा, तभी सामने बैठा ऋषि एक पल के लिए काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। लेकिन जब लुटेरा लक्ष्मी का वीडियो देखकर जोर से चिल्लाएगा नहीं, तभी ऋषि के होश उड़ जाएंगे और ऋषि को मन ही मन एहसास हो जाएगा कि अब ये लुटेरों का मेन बॉस लक्ष्मी को जान से मार देगा, जिस वजह से काफी गुस्से के साथ जब लुटेरा लक्ष्मी को जान से मारने के लिए खड़ा होगा और गुस्से से लक्ष्मी के केबिन में जाएगा, तभी ऋषि अपनी जान की परवाह किए बिना लक्ष्मी की जान बचाने के लिए लुटेरे के पीछे पीछे जाएगा और मेन बॉस लुटेरे का जोर से हाथ पकड़ लेगा और लक्ष्मी के सामने ऋषि खड़ा होकर कहेगा, तुम मेरी लक्ष्मी को कुछ नहीं कर सकता, मेरे होते हुए तो कुछ भी नहीं। तब लुटेरा ऋषि के सर पर गन दिखाकर कहेगा कि तू साइड पर हट जा वरना लक्ष्मी की जगह मैं तुझे मार दूंगा। यह सुनकर ऋषि लक्ष्मी के सामने खड़ा होकर कहेगा, मार दो मुझे, अगर लक्ष्मी इस दुनिया में नहीं रही तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं। यह सुनकर लक्ष्मी को काफी बड़ा शौक लगेगा, लेकिन जब लुटेरा लक्ष्मी को जान से मारने के लिए ऋषि को साइड पर करने के लिए जाएगा और ऋषि लुटेरों के मेन बॉस से हाथापाई कर बैठेगा और लक्ष्मी भी दूसरे लुटेरे के साथ हाथापाई कर रही होगी, तभी लुटेरों का मेन बॉस ऋषि पर गोली चला देगा और लक्ष्मी उस गोली को अपने सीने में लेने के लिए ऋषि के सामने आएगी। तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होगी क्योंकि वो गोली ऋषि को लग जाएगी और ऋषि सीधे लक्ष्मी के बाहों में गिर पड़ेगा और लक्ष्मी के बाहों में गिरकर अपने किए की माफी मांगेगा। लेकिन जब लक्ष्मी ऋषि को लेकर काफी ज्यादा रो रही होगी, तभी लुटेरा लक्ष्मी को चुप करने के लिए लक्ष्मी पर जोर से बंदूक मार देगा और लक्ष्मी उधर ही ऋषि पर अपना सर रखकर बेहोश हो जाएगी और मलिष्का ये सब देखती रह जाएगी। लेकिन जब सारे पुलिस वाले चारों ओर से बैंक को घेर कर लुटेरों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी कर देगी और जब सारे लुटेरे पकड़े जाएंगे और एम्बुलेंस वाले ऋषि और लक्ष्मी को हॉस्पिटल ले जाएंगे, तभी मलिष्का को ऋषि के लिए जरा भी दुख का एहसास नहीं होगा। लेकिन जब हॉस्पिटल में ऋषि की माँ और ऋषि के पापा वीरेंद्र लक्ष्मी और ऋषि का इलाज होते हुए देखेंगे और मलिष्का हॉस्पिटल में ऋषि की माँ और सबके सामने लक्ष्मी को दोषी ठहराएगी और कहेगी कि ये सब उस लक्ष्मी की वजह से हुआ है, वो लक्ष्मी ना होती तो आज ऋषि जिंदा होता। तब ऋषि की माँ मलिष्का को जोर से तमाचा मार देगी और कहेगी, लक्ष्मी ने ऋषि की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना सभी को इन्फॉर्म करते हुए वीडियो बनाया। और जब आयुष अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सबके सामने मलिष्का को कहेगा कि तुम क्या कर रही थी जब ऋषि को गोली लगी थी, चुपचाप खड़ी थी तुम। और वहीं लक्ष्मी भाभी ने अपनी जान की परवाह किए बिना ऋषि की जान बचाने के लिए गोली के सामने आ गई थी, लेकिन लक्ष्मी भाभी वो गोली अपने सीने में लेने से जरा सी चूक गई और वो गोली ऋषि भैया को लग गई। यह सुनकर ऋषि की माँ के होश उड़ जाएंगे और ऋषि की माँ फिर से दोबारा से मलिष्का को तमाचा मार देगी और कहेगी, जब सारे लुटेरे ऋषि को मारने पर आ गए थे तब तुम मलिष्का वहाँ पर क्या कर रही थी, ऐसे तो बहुत कहती हो कि मैं ऋषि के बिना जी नहीं सकती, तो तुम अभी अभी ऐसे खड़ी हुई सांस भी कैसे ले सकती हो। यह सुनकर मलिष्का कुछ बोल नहीं पाएगी और नीलम जोर से मलिष्का का हाथ पकड़ के हॉस्पिटल से घसीटते हुए निकाल देगी ऋषि की जिंदगी से बाहर और पहली बार अपनाएगी लक्ष्मी को। और ऋषि की माँ हॉस्पिटल में सबके सामने मलिष्का को तमाचा मारकर सही करेगी क्या नहीं, और ऋषि की माँ को ऋषि की जिंदगी से मलिष्का को निकाल देना चाहिए क्या नहीं, और आप ऋषि लक्ष्मी को एक देखना चाहते हैं क्या नहीं, और आपको ऋषि लक्ष्मी की जोड़ी कैसे लग रही है, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।